हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ट्रांजिशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं और उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है। ट्रांजिशन को मॉडिफाई करने के लिए सिंपली क्या है, सबसे पहले अब तक हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन कैसे लगाना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। एक क्लिप पे, दो क्लिप पे ओवरलैप करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाई करने के लिए इस क्लिप को आपको, इस ट्रांजिशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में दिख जाएंगे। वो किस प्रकार कार्य करता है वो हमको आपको बताते हैं। यहां पर अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन क्या है इस ट्रांजिशन की, आपने अलाइनमेंट इसका सेंटर एट कट लगा रखा है, स्टार्ट एट कट लगा रखा है या इंड एट कट लगा रखा है। आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई द स्टाइल ऑफ द ट्रांजिशन। इसके अलावा अभी देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यदि हम चाहते हैं इसको टॉप टू बॉटम करना, तो इस पर क्लिक करिए तो ये टॉप टू बॉटम चलने लगेगा। ये राइट से क्लिक करेंगे तो राइट से ये है, और लेफ्ट पे क्लिक करेंगे वेस्ट टू ईस्ट तो ये ऐसे चलेगा, बॉटम से करेंगे तो ये ऐसे चलेगा, ऊपर वाला करेंगे तो ये इस तरीके से चलेगा। अब इसमें यदि आपको रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। हर किसी में ऑप्शन अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको यदि एक्चुअल शो पिक्चर एक्चुअल देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल इमेजेस दिखाई पड़ेंगे। एक्चुअल थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए प्लेबैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। ये तो ही बेसिक मॉडिफिकेशन की बात, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडिफिकेशन में एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट साइड में देखेंगे, इसकी थोड़ा सा स्पेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी आपको दोनों एरिया आपको दिखाई पड़ता है कि क्या कैसे काम कर रहा है, ये कौन सी फाइल और ये। यहाँ से आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एक तरफ के ट्रांजिशन को आप बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ से बढ़ाना है तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी ट्रांजिशन को आप बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रांजिशन को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे दोनों तरफ से ये ट्रांजिशन बढ़ जाता है। जैसे ट्रांजिशन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप चाहें यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना है या यहाँ से घटाना है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी एक तरफ छोटा कम रखना है, एक तरफ ज्यादा रखना है, तो ऐसे भी आप इसको इफेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को आप कम ज्यादा यहाँ से रख करके आप ऐसे आगे पीछे करके, यदि किसी तरफ कोई शॉट कम है या कोई ज्यादा है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में यहाँ तीन ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रख करके आप इसकी पोजीशन को, आप ट्रांजिशन की पोजीशन को आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको मॉडिफाई करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ट्रांजिशन में मौजूद ऑप्शंस को और उसमें पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। हर ट्रांजिशन के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसको करेंगे इसमें कुछ और ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये है ये इस तरीके से। अब इसमें क्या है, आपको बॉर्डर भी आ गया। जैसे हम बॉर्डर की संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर मिलेगा, देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। बॉर्डर नहीं चाहते तो इसकी वैल्यू हटा देंगे। बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं ये कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से बॉर्डर भी आ सकता है। तो कुछ में बॉर्डर आता है, कुछ में बॉर्डर नहीं आता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हर ट्रांजिशन का पैरामीटर अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ही आपको इसके पैरामीटर्स को चेंज करने की आवश्यकता होती है। जैसे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ और आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, केवल नॉर्मल लेफ्ट टू राइट ही है। तो इसको आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पर जो कॉर्नर से होता है, कॉर्नर कलर करेंगे तो ऐसे होगा। ये देखिए ये कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको रिवर्स करना चाहेंगे तो ये रिवर्स काम करेगा। मतलब पहले ये जो है ना, होता क्या था रिवर्स में, क्या होता है पहले ये काम करता, इधर से ये इधर को ऊपर की तरफ जा रहा था। जब रिवर्स करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाए, उल्टा हो जाएगा। आप यानी ट्रांजिशन को रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते, नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, या उसके एक्शन के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हमने इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या, कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि इसके ट्रांजिशन के एक्टिव के या एक्शन के जो पोजिशन होती है आपके फ्रेम में, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है, या सेंट्रलाइज करना है, या किसी अन्य पोजीशन से आपको उसको एक्टिव करना है, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम आपको बताते हैं, स्लाइड्स टूल। यहाँ पर बैंड स्लाइड्स है, यहाँ एक अलग तरीके का ऑप्शन होता है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको ये यूटिलाइज करना है। बॉर्डर यहाँ पर लगाना है तो उसकी विड्थ क्या देनी है, या जिस पे बॉर्डर लगाना है तो नॉर्मल बॉर्डर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटर में रखना है, अब ये इस तरह करेंगे तो
तो ये ऐसे आ जाएगा, कॉर्नर पे रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये अलग अलग ट्रांजिशन, सेम ट्रांजिशन को अपन कई और तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। होता क्या है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट में ये जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलता है। यदि आप ट्रायंगल करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके ला सकते हैं, और आप जब स्क्रीन पे कहीं कुछ काम देखते हैं तो इस तरीके से हल्का सा चेंज करेंगे तो स्क्रीन पे नया इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और वो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से हो सकता है। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक ही इसमें काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, कस्टम में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो बैंड्स आ रही हैं ये कितनी होनी चाहिए, आप 2 करना है, 10 करना है, 5 करना है, आपके अनुसार। यहाँ पर हमने 2 कर दिया है तो 2 ही बैंड आएंगे इसमें, देखिए केवल 2 इफेक्ट है। ये भी एक ट्रांजिशन है, लेकिन लोगों को लगेगा ये ट्रांजिशन हमने तो बैंड में देखा था, उसमें 5-6 बैंड है, ये ट्रांजिशन कहाँ से आया। तो जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप नया ट्रांजिशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर ट्रांजिशन के पैरामीटर्स में जाइए, उसके पैरामीटर्स को चेक कीजिए, उसको मॉडिफाई कैसे करना है उसको देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी पावर है और इसको कैसे हम अपने तरीके से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। कस्टम में यहाँ पर हमने इसको 10 दे दिया, जैसे हम 10 देंगे यहाँ पर 10 क्लिप्स बन जाएंगी। इसको थोड़ा सा बॉर्डर दीजिए, बॉर्डर दे देते हैं 3 फ्रेम का, 3 वैल्यू का। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा बॉर्डर का कलर, यहाँ से हम दे देते हैं रेड। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे ये रेड तरीके से, इस तरीके से आप इस तरीके से आराम से मॉडिफाई करके नया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके मन के मुताबिक ये स्पीड चेंज हो जाएगा। इसमें और बहुत सारे जूम्स, जूम इफेक्ट होते हैं, बहुत फायदेमंद होता है जूम, क्रॉस जूम। अक्सर हम लोग मोंटाज वगैरह में यूज करते हैं इस तरीके से। इसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट होंगे नहीं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। वाइप, बहुत तरीके के वाइप हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन होते हैं वाइप। वाइप के द्वारा हम ट्रांजिशन में बहुत सारे नए नए तरीके के वाइप लगा सकते हैं। चेकबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चेकबोर्ड है। अब चेकबोर्ड पे क्लिक करने के बाद इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल में कितनी वैल्यू आएगी, वर्टिकल में कितनी स्लाइसेस आएंगी, ये सारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप नया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रेडियस वाइप ये इस तरीके से है, ये भी एक नया इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इसको कैसे रखना है, इसकी पोजिशन चेंज करके आप नए तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये होता है, कभी कभी हम जब किसी वीडियो में दिखाते हैं कि रात से सुबह से रात हो गई तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि एक चीज खत्म हो गई दूसरी शुरू हो गई है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर बहुत सारे अन्य ऑप्शंस हैं, इन सबको एक एक करके देखिएगा इसमें क्या अंतर है, कैसे हैं, और इनको फिर याद रखिएगा और फिर आपको आपके एडिटिंग में अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। जिगजैग है, कस्टम में कितने रखना है, यहाँ पर वैल्यू कितने करने हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पे अलग तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस के पैरामीटर्स में चेंजेस करेंगे तो आपको अलग टाइप के ट्रांजिशन मिलेंगे। एक बात और आपको सजेशन में देना चाहता हूँ कि कभी भी बाय डिफॉल्ट जो ट्रांजिशन आपके सामने आया हुआ है उसको यूटिलाइज मत करिए, क्योंकि यदि आपने बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन यूज करेंगे हर किसी को आइडिया होता है कि ये कौन सा ट्रांजिशन है और कैसे लगता है। इसलिए वो ट्रांजिशन जो जैसे हमने यहाँ ड्रैग करके बैंड वाइप लगा दिया, तो बैंड वाइप ये तो बाय डिफॉल्ट सबको मालूम है कि ये किस तरीके से यूटिलाइज होता है, तो आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज मत कीजिए। क्लिक इस पे, यहाँ क्लिक कीजिए, थोड़ा सा बॉर्डर लगा दीजिए, इसमें हल्का सा बॉर्डर कर दिया, 2 पॉइंट का बॉर्डर लगा दिया, और इसकी पोजिशन तो चेंज ही कर दीजिए, क्योंकि इसका पोजिशन चेंज नहीं करेंगे तो आदमी को समझ नहीं आएगा। संख्या भी चेंज कीजिए, ज्यादा घिचमिच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 या 4 का कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, आदमी लगेगा कि आपने कुछ नया काम किया है जबकि सेम इफेक्ट है। तो जब भी आप यूटिलाइज करिए बाय डिफॉल्ट जो ट्रांजिशन आता है वो ट्रांजिशन बिल्कुल मत यूज करिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, उसकी पोजीशन जरूर चेंज कर दीजिए, जिससे जिस भी आदमी को प्रीमियर आता भी होगा तो वो इस ट्रांजिशन को पकड़ नहीं पाएगा और उसको लगेगा कि आपने कुछ नए तरीके से इसको एडिट किया है। केवल आपको इसकी पैरामीटर्स को चेंज करना है और आप नया इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।